दोस्तों, वर्ड स्प्लिट करने के लिए हमने दो वीडियो डाले थे जिसमें हमने बताया था, एक तो टेक्स्ट टू कॉलम और एक तरीका हमने बताया था फ्लैश फिल का। और दोनों की ही कुछ लिमिटेशन थी, जो लिमिटेशन भी हमने बताई थी कि आपने एक ही कॉलम में यदि दो वर्ड, किसी सेल में तीन वर्ड या चार वर्ड लिखे हैं तो वहाँ पे वो उसको स्प्लिट करने में परेशानी आती थी फ्लैश फिल को। ऐसे ही टेक्स्ट टू कॉलम जब करते थे तो भी ये दिक्कत आती थी। और दूसरी कमी क्या थी कि अगर हमने उस कॉलम में मिडिल नेम को चेंज कर दिया या लास्ट नेम को चेंज कर दिया तो वो अपडेट नहीं लेता था। लेकिन आज हम जो बताएंगे आपको वो एक VBA कोड है, और वो कोड हम कैसे लिखेंगे वो कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जो आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु जी यूट्यूब चैनल। तो वो VBA कोड हम कैसे लिखेंगे, क्या है वो VBA कोड, चलिए शुरू करते हैं। तो VBA कोड बताने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं उन दोनों ऑप्शन से, फ्लैश फिल और कॉलम टू टेक्स्ट से। सबसे पहले हम चलते हैं फ्लैश फिल के ऊपर। एग्जाम्पल, हमने इनको अलग अलग कॉलम में करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम, हमने लिख दिया राहुल, लिख लिया। इसको खाली सेलेक्ट करा, डाटा में गए और यहाँ से हम कर लेंगे फ्लैश फिल पे क्लिक, तो ये फटाक से फर्स्ट नेम को यहाँ पे फिल कर लेगा। ऐसे ही सेकंड नेम को, सेकंड नेम डालेंगे जो फर्स्ट हमारा कुमार है, हमने कुमार डाल दिया, इसको हमने सेलेक्ट किया और फ्लैश फिल पे क्लिक कर दिया, झट से इसने सेकंड नेम भी फिल कर दिया। थर्ड नेम पे सेम एज इट इज हमने लिखा यहाँ पे सक्सेना, इसको सेलेक्ट किया और फ्लैश फिल। अगर हम थर्ड नेम को इस जगह लिख के फ्लैश फिल करेंगे, थर्ड नेम यहाँ फिल कर देगा, या फर्स्ट नेम को हम यहाँ लिख के फिल करेंगे तो यहाँ फिल कर देगा। अब इसमें कमी क्या है कि हमने इसमें से सक्सेना को हटाना है और सक्सेना की जगह हमने लिखना है मित्तल, हो गया। अब देखो यहाँ पे मित्तल नहीं हुआ, सक्सेना ही रह गया, ये कमी थी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, ये एक ऑप्शन था जिसके जरिए इसने फिल कर दिया। दूसरा टेक्स्ट टू कॉलम, मैं एक बार ये नाम फिर से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से ही रख लेता हूँ, ठीक है। इनको हमने सेलेक्ट किया, डाटा में गए और वहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन ले लिया, ओके। इसमें हमने डेलिमिटेड पे सिलेक्ट रखना है और नेक्स्ट करना है। अब ये देखना है जो हमारे पास जो वर्ड हैं उन वर्ड के बीच में हमने टैब यूज़ किया है या फिर कोई सेमी कॉलन यूज़ किया है या कोमा या स्पेस या अदर कोई मार्क्स यूज़ किया है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। हमने वहाँ पे स्पेस यूज़ किया है तो मैंने स्पेस को सिलेक्ट कर लिया। और अब देख रहे हो नीचे आप इसमें प्रीव्यू, यहाँ पे इसने उस स्पेस के यहाँ पे कॉलम लगा दिए। अब इसको हम कर देंगे फिनिश, तो फटाक से उनको क्या करेगा, अलग अलग कॉलम में ड्रैग कर देगा। लेकिन इसमें क्या कमी आई, यहाँ से तो हम कोई भी नेम चेंज करना चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन जो मेन हमारा था, तीनों हमारे मिक्स थे, वो हटा दी इसने, वहीं से इसको तीनों को स्प्लिट कर लिया। अब चलते हैं VBA कोड के ऊपर। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है इसकी, और मैं ये भी डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट। VBA कोड के लिए मैंने आपको बताया था डेवलपर टैब में जाएंगे हम, डेवलपर टैब में से हम विजुअल बेसिक यहाँ से उठा लेंगे, या फिर ऑल्ट के साथ F11 की प्रेस करेंगे तब भी हमारी विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो जाएगी। मैं ये सभी विंडो जितनी भी खुली हैं सब बंद कर देता हूँ। यहाँ पर हम ले लेंगे एक मॉड्यूल्स, हमने मॉड्यूल कोड लगाना है वहाँ पर, उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट करेंगे वहाँ से एक मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल इंसर्ट कर लिया हमने, ये मॉड्यूल की विंडो आ गई। और यहाँ पे एक कोड है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके या कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ये लिंक मेरे पास ये यहाँ पे है, ठीक है। मैं कंप्लीट ये कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और मॉड्यूल में आके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। सारा कोड हमारे यहाँ पे पेस्ट हो गया, बस कुछ भी नहीं करना है, अब हमने इसको बंद कर देना है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला था, उसमें फॉर्मूला लगाया कोड के अंदर कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम का। तो अब देखोगे यहाँ पे चला के इज इक्वल टू हम करते हैं फर्स्ट नेम, देखो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया ना,
फर्स्ट नेम ब्रैकेट स्टार्ट और सिर्फ ये सेल एड्रेस देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। ये फर्स्ट नेम उठा लेगा, हम जहाँ भी जिस भी कॉलम में फर्स्ट नेम का फॉर्मूला लगाएंगे वहीं पे ये फर्स्ट नेम उठाएगा। इज इक्वल टू मिडिल नेम एम आई डी एन ए एम ई मिड नेम ब्रैकेट स्टार्ट सेल एड्रेस और बंद। ऐसे हम लास्ट नेम के लिए भी इज इक्वल टू लगाएंगे, पहले इज इक्वल टू लास्ट नेम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे सेल एड्रेस देंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर यूज कर देंगे। बस इस फॉर्मूले को हमने नीचे तक ड्रैग कर लेना है, यहाँ से इस फॉर्मूले को भी ड्रैग कर लेना है, सभी ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। इसको भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ। अब किसी भी नाम को हम चेंज करें, फर्स्ट नेम को या मिडिल नेम को या लास्ट नेम को। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोई भी नाम, पहले सक्सेना था, सक्सेना ही डाल के देख लेता हूँ और एंटर यूज़ करूँगा। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक सक्सेना हमारा चेंज हो रहा है। तो हमारा यहाँ भी चेंजमेंट हो रहा है और हमारा ये कॉलम भी गायब नहीं हो रहा, ये भी हमारे पास बरकरार रहेगा और हम जहाँ भी जो फर्स्ट नेम या मिडिल नेम उठाना चाहें वो भी उठा पाएंगे। अच्छा था, काम का कोड था, एक बार यूज करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, यदि आप टेक नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं, आप टेक न्यूज़ देखना चाहते हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है कंप्यूटर गुरुजी के नाम से, तो उस चैनल पर जाइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से क्लिक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और टेक न्यूज़ देखिए। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।